तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की जिसको बता भी नहीं पाए। सही है, और मान लगाओ इसे सना। नमस्कार सेक्शन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ विशेष पॉइंट पर। नंबर पॉइंट्स पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की जो कंडीशन चल रही है, भारत की जो स्थिति है, वो काफ़ी डिफरेंट होती जा रही है और काफ़ी दयनीय कंडीशन इसको कह सकते हैं। इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम कहाँ लेकर जाने वाले हैं, आने वाली पीढ़ी में क्या परिवर्तन होने वाला है, उन सारे मुद्दों पर बात करेंगे वन बाय वन। क्यों हमें वीडियो बना रहे हैं, क्यों ऐसी जागरूकता लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर कंडीशन क्या है इंडिया में, उन सारे मुद्दों पर बात नहीं होगी तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आजकल का पढ़ा हुआ युवा भी, पढ़ा लिखा युवा भी काफ़ी अधिकतर हम देख रहे हैं कि वो क्या है, अंधविश्वास की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर अंधविश्वास की ओर आगे बढ़ेगा, आस्था अपने जगह पे ठीक है, आस्था का एक आस्था काफ़ी हद तक सही होनी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास होना अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आजकल बाबाओं का प्रकोप इंडिया में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, प्रचलन बढ़ता जा रहा है, और अन्य धर्म में भी ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के बाबाओं का ही प्रचलन बढ़ रहा है, अन्य धर्म के बाबाओं का प्रचलन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है जैसे इंडिया में हिंदू धर्म के बाबाओं का प्रचलन बढ़ रहा है। अगर इस तरह से प्रचलन बढ़ता रहा तो आने वाले समय में क्या दिक्कत आने वाली है उन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि काफ़ी लेट हो जाए और हम फिर जाके 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी और पीछे आ जाएं और आने वाली पीढ़ी को हमारे ये मैसेज ना मिल पाए और हो सके हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में जीने वाले लोग काफ़ी पीछे आ जाएं और फिर उसी तरह से मूल कंदू को खाने के लिए विवश हो जाएं, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। इसलिए एक तरफ जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ वहीं हाथ की सफाई है, तीसरी तरफ जो हम कह सकते हैं एक तरह से विज्ञान है। विज्ञान मतलब एक किसी के माइंड रीड को करना, माइंड रीड करके उसके एक्टिविटीज़ को बता देना और उसको भी चमत्कार है भगवान का नाम देकर उस पर अपना पैसे छापना, ये एक धंधा बना के रखना। इस तरह का जो एक्टिविटीज़ है इंडिया में काफ़ी तेज़ी चल रहा है। पहले एक और दो बाबा हुआ करते थे जो सामने आ रहे थे, अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि हर जगह से बाबाओं का जखेड़ा सामने आने लगा है, हर कोई माइंड रीडिंग करने लगा है। ऐसे कंडीशन में क्या सच है क्या झूठ है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए इन मुद्दों पर हम बात नहीं करते या इन मुद्दों पर बात नहीं होती है तो आने वाले समय में हमारे फैमिली या हमारे परिवार या हमारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। साइंस टेक्नोलॉजी से दुनिया को समझना चाहिए क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आप मेरे को देख पा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ना कि किसी जादूगर या किसी भगवान की कृपा से नहीं कर रहा हूँ। और इस ब्रह्मांड की रचना में भी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हुआ है। आज हम प्लूटो या कोई भी ग्रह से या सूर्य के नज़दीक जाकर फोटो खींच पा रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही देन है, क्योंकि हमने इतने उच्चतम क्वालिटी के जो आप कह सकते हैं टेलीस्कोप डिज़ाइन किए हैं और उन डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग ही हम कर पा रहे हैं, ना कि कोई चमत्कार दैवी शक्ति के अनुरूप हम कर पाते हैं। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, उसमें अपना करियर बनाना बहुत ज़रूरी है, उसके उच्च दिशा को समझते हुए दूसरे ग्रह नक्षत्रों में जीवन खोजना ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि भगवान को खोजने में अपनी प्रायोरिटी करनी चाहिए। भगवान अगर है तो जो सुपर नेचुरल पावर है वो सभी जगह विराजमान है, उसी सुपर नेचुरल पावर के बदौलत दुनिया पूरा ब्रह्मांड अपना चक्कर लगा रहा है, हम भी अपना चक्कर लगा रहे हैं, तो उसको ढूंढने की क्या ज़रूरत है और उसके पीछे इतना बड़ा पाखंड करने की क्या ज़रूरत है, और एक ग्रह पर एक देश में एक ही जगह पर रहकर आप इतना सब कुछ कैसे कर रहे हो, उसी को आप केंद्र कैसे मान रहे हो। दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है, दोनों चीज़ें बहुत अलग है, दोनों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है लेकिन आपको सटीक और सही इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आने वाले लोगों में ये सीचना चेतना जाग सके कि हमें किस ओर जाना है, हमारा क्या मोटिव होना है और कौन सी जगह पे हम सही जगह से जाने के से ही हमारा उज्ज्वल भविष्य हो सकता है। इसलिए देरी न करते हुए आजकल दो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, उन्हीं के एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं। एक अपने सुहानी शाह है, दूसरी तरफ का वीरेंद्र शास्त्री है। जो काम सुहानी शाह करती है वही काम वीरेंद्र शास्त्री भी करता है। सुहानी शाह इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि उनका जो टेक्निक है, उनकी जो काम करने की क्षमता है या उनका जो माइंड रीडिंग का जो कंसेप्ट है वो कोई दैवी शक्ति से बिलोंग नहीं करता है, ये कला है और उन्होंने जबरदस्त अपनी मेहनत अथवा प्रयास और एक्सपीरियंस से उसको सीखा है।
ऑफर्स को अपने जीवन में उतारा है जिसके वजह से वो दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझ सकती हैं, उस पर बहस कर सकती हैं। दूसरी तरफ ब्रेन शास्त्री को अगर लेंगे तो वो वही काम करते हैं, माइंड रीडिंग का काम करते हैं, माइंड रीड करते हैं, लोगों को समझते हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम्स को बुक पर लिखने के बाद उनको बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये है। एक्चुअली में जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपके दिमाग में चल रही होती है। मेरी कोई प्रॉब्लम्स है तो मेरे दिमाग में डेफिनेटली वो दौड़ेंगी। अगर हम कहीं ऐसी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर और भी वो सतर्क हो जाते हैं कि कहीं निकल ना जाए, कहीं बाहर ना आ जाए, तो हम उनको अपने माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, उसी का फ़ायदा उठा के वो आप लोगों को बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने नहीं बताया है, ये गुरु कृपा है या बजरंग बली की कृपा है जिसकी वजह से हमने ये सब कुछ कर दिया है। तो दोस्तों इस ओर हमको नहीं जाना है। हम दोनों के क्लिप्स आपके स्क्रीन पर लगाएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे और आप भी उसको देखने की कोशिश करें कि एक काम करते हैं क्या बात सही है। हाँ, इसको जितना हम रैंडम बना सकते हैं, रैंडम वो ये पूरा इतना रैंडम बनाते हैं, देखो मैं इनसे कभी नहीं मिली, आपको भी मैं आज पहली बार अभी पहली बार मिल रही हूँ। मैं बताऊँ एक बात? हाँ बताओ। आपका उदयपुर से कोई नाता है? अरे आपका भी तो उदयपुर से कोई नाता है। मैं भी उदयपुर में पैदा हुई हूँ जी, और मैंने इनके मन की बात जान ली, ये भी उदयपुर में पैदा हुई है। तो उदयपुर की छोरियां आज यहाँ पे खड़ी है आप दोनों के सामने, आप लोगों के सामने। ओके काफी अच्छी बात है। तो फौजिया मैं चाहती हूँ आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, या तो आप रैंडमली आप कुछ सोच सकते हैं उसको, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं आप उसका जवाब सोचिए, पर सवाल मैं नहीं पूछती क्योंकि मेरे को कुछ पूछ रही, आप इनसे कोई सवाल पूछ लीजिए। फौजिया आज से 5 साल बाद क्या करना चाहोगे? आज से 5 साल बाद आपको ये बात सिर्फ अपने मन में सोचनी है। क्वेश्चन ये उठता है, अगर भगवान नहीं है तो फिर ये सृष्टि कैसे चल रही है? क्वेश्चन ये उठता है, सृष्टि चल रही है, भगवान नहीं था तब भी चल रही थी, किसने भगवान को देखा, कौन भगवान है, कौन अल्लाह है, कौन खुदा है, कौन क्या है, किसी को पता है नहीं पता है, सारी चीजें हमारी लिखी गई। आप ये कहेंगे कि जो ग्रंथ पुराण वो है हमने आम इंसान ने नहीं लिखी, हो सकता है कि उस समय पे जिस समय लिखी गई हो उस समय इंसान की चेतना काफी ज्यादा रही हो, जिस वजह से वो सारी चीजें को एग्जामिन करते हुए आया हो और अपने एक्सपीरियंस के बल पर उस चीजें लिखी हो, ये हो सकता है। चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो फिर आपका बाइबिल हो, चाहे वो आपका कुरान शरीफ हो, कुछ भी लिखा हुआ जो है वो सारे इंसान के द्वारा ही लिखी हुई रचित हैं, इंसान ने ही लिखी हैं, इंसान ने ही इंक का आविष्कार किया, इंसान ने ही कॉपी का आविष्कार किया, कोई ऐसे जादुई पन्ने पर लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं, आम कॉपी और पन्नों पर ही लिखी हुई चीज़ें हैं, भोज पत्र पर लिखी हुई चीज़ें थी, ट्रांसलेट करते करते हम उसको डेवलप करते करते आज पन्ने पर लाए, आज हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया है। डिजिटलाइज मतलब आज पूरे स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, इसलिए अंधविश्वास की ओर नहीं जाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर जाओ, उस ओर कदम बढ़ाओ। मान लिया आने वाले समय में या सालों में, 100 साल 500 साल में अगर हमारे तबाह होती खत्म होती है, हमारा सूरज खत्म होता है, जैसे मैं सुनने में आ रहा है कि सूरज का कुछ हिस्सा निकल के अलग हो रहा है, लावा उसमें बन रही है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारा ब्रह्मांड, अगर हमारा जो नक्षत्र है वो खत्म होता तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा, उस ओर प्रयास करना चाहिए। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से शरीर के ही बलबूते किसी दूसरे ग्रह पर कैसे जा सकते हैं, किसी दूसरे सौरमंडल में कैसे जा सकते हैं, उतनी स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, कैसे उतना बढ़ा सकते हैं, उस लेवल तक बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इन क्वेश्चनों पे हमेशा मनन और चिंतन करना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए। ये नहीं कि हे प्रभु आप ही करो जो करो, मेरे सशक्ति किसी ब्रह्मांड या स्वर्ग लोग को पहुँचा दो, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, इस पर ना ही इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपका अध्यात्म है, अध्यात्म पर रखिए, संस्कृति कल्चर है, कल्चर पर बनते रहिए, अपना कल्चर अपना ही वजूद होता है, हमारा कल्चर हमारा वजूद है, आपका कल्चर आपका वजूद है, उसको बनाए रखिए और उसके साथ साथ उसमें इंक्लूड कीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, उसमें जो गलत चीज़ें उनको रिमूव कीजिए, जो अच्छी चीज़ें उनको प्रमोट करते हुए आगे लेके जाइए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक सतर्क और अच्छा मैसेज मिल सके। इसी मोटिव को देखते हुए और देश में चल रहे अफरातफरी का माहौल को देखते हुए हमने वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है और वीडियो को बनाया है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अगर सही लग रही है, लगता है कि हमारी बात से आप सहमत हैं, तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए, ताकि ऐसे ही टेक्निक भरी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस जो नेक्स्ट जनरेशन की हो, नेक्स्ट लेवल की हो,
नेक्स्ट जनरेशन पे जाने की क्षमता रखती हूँ, ऐसे वीडियोज को हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियोज में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और काफ़ी चीज़ें सबसे पूर्ण हमने बोली है और काफ़ी चीज़ें बोलने भी बाकी हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम काफ़ी डिटेल से इसका वीडियो बनाएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। मैं अपच होती है, खाना नहीं पचता है, आप ऐसा क्यों नहीं बता रही, सही सही क्यों नहीं बोल रहे, यही दिक्कत है। पहले से बताया आपने किसी को? पेट में अपच होती प्रेत बाधा का कारण है, सिर घूमता है, चक्कर भी आते हैं, पूर्व में कई जगहों पर दिखवा लिया, एक तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की, एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की जिसको बता भी नहीं पाए।